डाउनलोड करें JEE AB 360 बाय आदर्श बर्णवाल, और यहाँ पे यार आप लोगों को कॉलेज प्रिडिक्टर का ऑप्शन मिलता है। कॉलेज प्रिडिक्टर में जाएं आप लोग, यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज प्रिडिक्टर है JEE मेंस एडवांस के लिए, WBJEE के लिए। इस प्रिडिक्टर में जाके आप अपनी रैंक और EWS है, जनरल है, जो भी है वो डालें, और नंबर ऑफ कॉलेजेस जो जो आप लोगों को मिल सकते हैं वो आप लोगों को दिख जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक WBJEE कॉमेट के। और इस ऐप पे आप लोगों को टैप टू सी रिसेंट अपडेट्स मिलता है, जहाँ पे आप लोगों को रिसेंट अपडेट्स मिल जाएंगे। और उसके सो हाय गाइस, आदर्श हियर। आज की इस वीडियो में यार हम लोग वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आने वाले टॉप 15 कॉलेजेस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। कॉलेज की कट ऑफ आप लोग हमारी एप्लीकेशन JEE AB 360 पे देख सकते हो। वैसे काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हो सकते हो यार जिनको डायरेक्ट एडमिशन लेना है, क्योंकि उनकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई है। और सबसे दिक्कत की बात यह है कि यार अब ऑलमोस्ट सारी सीटें जो है वो धीरे धीरे करके कंप्लीट हो रही है। कई सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे मैनेजमेंट कोटा की सीटें भी खत्म हो चुकी है। तो अगर आप मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दो लिंक्स दिए हैं व्हाट्सएप के, आप उनसे सपोर्ट करके कुछ मांग सकते हो। वो है हमारा जादवपुर यूनिवर्सिटी, ये आप सभी को पता होगा यार, रैंक वन पे हमारा जादवपुर यूनिवर्सिटी है। ESTD की बात करूँ तो 1955, और इस साल की प्लेसमेंट यार मतलब मुझे लगता है कि शानदार से शानदार प्लेसमेंट हुई है 2021-22 वाली जो प्लेसमेंट हुई है। अगर मैं मीडियम सैलरी की बात करूँ, डेट इज 9.7 लाख। मैं मीडियम सैलरी कह रहा हूँ, अगर आप एवरेज सैलरी इस कॉलेज की देखेंगे तो वो 14-15 लाख है एवरेज सैलरी, और कंप्यूटर साइंस के लिए तो ये 20 लाख से भी ज्यादा है ना। लेकिन इसमें रैंक काफी कम होनी चाहिए तभी जाके आपकी एडमिशन हो पाती है दिक्कत की। और इसमें होम के बच्चे मतलब कि वेस्ट बंगाल के बच्चे और अदर स्टेट के बच्चे दोनों ही बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट में हमारा एक अंडररेटेड कॉलेज आता है, जिस कॉलेज का नाम है कैलकटा यूनिवर्सिटी। तो कैलकटा यूनिवर्सिटी यार वैसे तो है बहुत पुराना, लेकिन इनकी जो इंजीनियरिंग जो इसकी बिल्ट है, वो इंजीनियरिंग बिल्ट इसकी 2015 में बनी है। मीडियन पैकेज जो इसकी है करेंटली जो है वो है 9 लाख पर एनम। आई एम टॉकिंग अबाउट मीडियन सैलरी, सोचो बस। उसके बाद हाईएस्ट सैलरी की बात करूं तो ऑन कैंपस इट इज 20 लाख पर एनम, एंड ऑफ कैंपस इट इज 1 CR+। तो ऑफ कैंपस 1 करोड़ से भी ज्यादा की पैकेज है। फीस की बात करूं तो 40 से 50 हज़ार आपका 4 साल में खर्च होने वाला है। अप्लाई करने की बात करूं तो इसमें जो बच्चे वेस्ट बंगाल के हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो बच्चे अदर स्टेट के हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है KGEC, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। अब ESTD की बात करूं तो वो है हमारा 1995। एवरेज पैकेज की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 4.5 से 5 लाख के बीच में इसकी एवरेज पैकेज है। हाईएस्ट सैलरी यार इस बार वेबसाइट पे दिखाई नहीं गई थी, पिछले साल इट वॉज 45 लाख पर एनम, बट इस साल की अभी तक दिखाई नहीं गई, इसलिए इसमें मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ। बट आप लोग समझ ले रहा यार कि 40-45 लाख से ज़्यादा ही होना चाहिए। फीस की बात करूँ तो इसमें भी यार डिफरेंट ब्रांचेस के लिए डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चों के लिए ये तकरीबन 35 हज़ार के करीब होगी, किसी बच्चों के लिए ये 60 हज़ार के करीब होगी, और किसी बच्चों के लिए 1 लाख के करीब होगी। ये मैं 4 साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अप्लाई की बात करूँ तो जो बच्चे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होम स्टेट के हैं मतलब वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं, वही बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है IEM कोलकाता। ESTD की बात करूँ तो 1989 है। तो प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में तो सबसे पुराना कॉलेज में से एक है ये, है ना, या फिर कह सकते हैं कि आप सबसे पुराना कॉलेज है। एवरेज पैकेज की बात करूँ डेट इज 5.5 लाख पर एनम। हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो ऑन कैंपस इट वॉज 45 लाख पर एनम, एंड ऑफ कैंपस इट वॉज ऑफ कैंपस जो थी इसका 1 करोड़ से ज़्यादा की थी। एक बच्चे को गूगल में प्लेसमेंट लगी है, और वो भी आउट ऑफ स्टेशन मतलब इंडिया में नहीं है, किसी और जगह पे लगी हुई है, तो उसकी 1 CR से ज़्यादा की पैकेज लगी। फीस की बात करूँ तो फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख आपकी इसमें टोटल जो है वो फीस होने वाली है। और इस कॉलेज का डोनेशन बहुत ज़्यादा है, तो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड आपको नहीं करूँगा कि अगर इसमें आप डोनेशन लेके, वैसे अगर आप एडमिशन लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन डोनेशन बहुत बेहद ज़्यादा इसका होता है। अप्लाई की बात करूँ तो जो बच्चे वेस्ट बंगाल के हैं और जो बच्चे अदर स्टेट के हैं, वो दोनों ही बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल के जो कॉलेजेस हैं ज़्यादातर जो कि WBJEE के अंदर आते हैं, कुछ कॉलेज को आप छोड़ दीजिए, मान लीजिए 5-10 कॉलेज को छोड़ दीजिए, ज़्यादातर कॉलेज के पास कैंपस बड़ी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा नहीं है, जिस हिसाब के टीचर जिस हिसाब के प्रोफेसर होने चाहिए वो आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, कुछ कॉलेजेस को छोड़ के, मान लीजिए 15-20 कॉलेज को छोड़ के, उसके अलावा की मैं बात कर रहा हूँ। तो जिस हिसाब का आप करियर डेवलपमेंट सोचते हैं उस हिसाब का करियर डेवलपमेंट आपका नहीं हो पाएगा। तो बिफोर चूजिंग ए कॉलेज ये सारी चीज़ें आप पूछो। आप आपके गार्जियन बोलते हैं कि ठीक है बेटा ये कॉलेज आज से 25 साल पहले अच्छा हुआ करता था, ये गवर्नमेंट कॉलेज, तो पहले की स्थिति अलग थी, अभी की स्थिति अलग है। तो ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि किस कॉलेज में किस हिसाब की प्लेसमेंट होती है। तो किसी सीनियर से बात करके ये पता कीजिए जो वहाँ से पास आउट हुए हैं रिसेंट ईयर्स में, तभी जाके किसी गवर्नमेंट या किसी प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लीजिएगा। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है, वो है हमारा हेरिटेज कोलकाता। अब हेरिटेज और IEM तकरीबन आप इक्वल मान सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूँ। IEM कोलकाता जो है हमारा वो NAC A एक्रेडिटेड है, और हेरिटेज जो है हमारा वो NAC B एक्रेडिटेड है। तो दोनों में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। दूसरी बात ये कि प्लेसमेंट ऑलमोस्ट जो वो सेम होता है यार, है ना, थोड़ा सा आप 20 कह सकते हो IEM कोलकाता में, थोड़ा सा 19 आप कह सकते हो हेरिटेज में, लेकिन बराबर होता है। जिन बच्चों को यार थोड़ा सा कॉलेज लाइफ ज़्यादा इंजॉय करना है और प्लेसमेंट डिसेंट वगैरह चाहिए, तो आप लोग हेरिटेज को चूज़ कर सकते हो। ध्यान रहे दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 19-20 का ही डिफरेंस है। हेरिटेज की यार कैंपस जितनी कॉलेज में बता रहा हूँ उनमें से वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हो, काफ़ी अच्छी कैंपस है, काफ़ी ब्यूटीफुल कैंपस है, इनके हॉस्टल वगैरह भी फैसिलिटी अवेलेबल मिल जाती है आपको, ठीक है। ESTD की बात करूँ 2001, एवरेज पैकेज इज 5 लाख पर एनम, हाईएस्ट पैकेज इज 44 लाख पर
परिणाम। अब यहाँ पे यार ऑफ कैंपस एक बच्चे को गूगल में प्लेसमेंट लगी थी बट उसकी डेटा वेबसाइट पे दी नहीं गई थी, इसलिए उसके बारे में मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। फीस इज अप्रॉक्सीमेटली 4 से लेकर 4.5 लाख परिणाम। अप्लाई इसमें जो बच्चे वेस्ट बंगाल के हैं वो भी कर सकते हैं, जो बच्चे अदर स्टेट के हैं वो भी इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है टेक्नो इंडिया सॉल्ट लेक। अब ये इसमें टेक्नो इंडिया मेन की मैं बात कर रहा हूँ जो कि सॉल्ट लेक में, टेक्नो इंडिया के अदर ब्रांचेस भी हैं। तो आप लोग जब चूज कीजिएगा तो ध्यान से चूज कीजिएगा कि आप टेक्नो इंडिया मेन सॉल्ट लेक चूज कर रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं या फिर टेक्नो इंडिया बाटानगर चूज कर रहे हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं। तो इस चीज़ को आप लोग प्लीज ध्यान में रखिएगा, बाकी आपकी गलती हो सकती है। ई एस टी डी की बात करूँ तो 2001 एवरेज पैकेज इज 5 लाख पर एनम, हाईएस्ट इज 43 लाख पर एनम। फीस की बात करूँ तो 4 से लेकर 4.5 लाख। और अप्लाई इसमें जो बच्चे वेस्ट बंगाल के हैं वो भी कर सकते हैं, जो अदर स्टेट के हैं वो भी कर सकते हैं। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है जेजीईसी, जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ये वाला कॉलेज यार पिछले 2-3 सालों में इसकी प्लेसमेंट में काफी इंप्रूवमेंट हुई है, खास करके 2019 के बाद से इस कॉलेज की प्लेसमेंट जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है रिसेंटली, और ये बात बहुत ही सत्य है। दूसरी बात ये है कि अगर मैं ईएसटीडी की बात करूं तो 1961 मतलब यहां का जो एलुमनी बेस है वो बहुत बड़ा आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो इस वजह से इस कॉलेज में अगर आप लोगों को कभी भी प्लेसमेंट में या फिर कभी भी रिसर्च वर्क में या फिर कभी भी इंटर्नशिप वगैरह में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा अनुमान है। अगर मैं मीडियम सैलरी की बात करूं, मीडियम सैलरी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरेज सैलरी, मीडियम सैलरी इज 4.6 लाख पर एनम, हाईएस्ट पैकेज इज 44 लाख पर एनम। और फीस की अगर बात करूं तो कुछ ब्रांचेस के लिए 40,000 है, कुछ ब्रांचेस के लिए 65,000 है, और कुछ ब्रांचेस के लिए यही है यार हमारा लगभग 1,10,000 के करीब है, ठीक है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है मकाउट। अब यार इस कॉलेज के मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि प्लेसमेंट उतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो रही जिस हिसाब से इसकी प्लेसमेंट इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी। कॉलेज की ईएसटीडी की बात करूं तो वो है हमारा 2001 एवरेज पैकेज इज स्टिल 4 लाख पर एनम, गवर्नमेंट कॉलेज है, फीस थोड़ी सी कम है, फीस 2 लाख अप्रॉक्सीमेटली है 4 साल का, और इसमें होम और अदर दोनों बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हल्दिया एक समय पर 2010 से पहले बहुत अच्छा कॉलेज हुआ करता था, फिर एक फेज आता है जब इसकी डाउनफॉल हो जाती है, और फिर एक फेज आता है 2019 के बाद से 2018 के बाद से जब ये कॉलेज फिर से एक बार अच्छे लाइन पर आ जाता है और इसकी प्लेसमेंट अच्छी होने लगती है। पहले 27 लाख का पैकेज आता है, फिर 40 लाख का पैकेज आता है, और इस साल 45 लाख की पैकेज आती है। तो कॉलेज काफी ज्यादा इंप्रूव किए। इस कॉलेज में यार डायरेक्ट एडमिशन्स होते हैं, यहाँ का केमिकल इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छा है, EIE भी बहुत अच्छा है, फूड टेक्नोलॉजी भी अच्छा है इस कॉलेज का, सॉरी बायोटेक्नोलॉजी नहीं, फूड टेक्नोलॉजी भी अच्छा है, केमिकल इंजीनियरिंग अच्छा है, कंप्यूटर साइंस अच्छा है, IT अच्छा है, और कंप्यूटर साइंस में स्पेशलाइजेशन अच्छा है। इसमें डायरेक्ट एडमिशन्स भी होती है, तो अगर आपको चाहिए होंगी तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि सीट्स ऑलमोस्ट फिल हो चुकी है, 80% सीट्स फुल हो चुकी है। अगर आपको चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में जाकर डिस्कस करके एडमिशन्स वहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है, वो है नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज। ये भी एक ऐसा कॉलेज है जिसकी प्लेसमेंट पिछले 3 सालों में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। हाईएस्ट पैकेज 44 लाख पर एनम, एवरेज पैकेज 4 लाख है, और इसमें अदर स्टेट और होम स्टेट दोनों ही के बच्चे अप्लाई इसमें कर सकते हैं। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है एसटी थॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज। अब इस कॉलेज की मैं क्या बात करूँ, कुछ बच्चे इसके बारे में बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा है। एक बच्चे ने मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बोला कि भैया आपने मुझे इस कॉलेज के बारे में बताया बट ये कॉलेज उतना अच्छा नहीं है जितना आप मुझे डिस्कस करते हो, तो मैं किसकी बात मानूं ये मुझे पता नहीं। इसीलिए इस बार हम लोग इसको लिस्ट में थोड़ा सा नीचे करके 12वें नंबर पे हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी ईएसटीडी है 2000, एवरेज पैकेज 4 से लेकर 4.5 लाख पर एनम है, हाईएस्ट पैकेज 27 लाख पर एनम ऑन कैंपस एंड 1 करोड़ ऑफ कैंपस, ठीक है। तो फीस स्ट्रक्चर इसकी 4 लाख है, और उसमें होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों के ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है, वो है हमारा AOT एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी। ईएसटीडी है हमारा 2003, एवरेज पैकेज 3 से लेकर 4 लाख पर एनम, हाईएस्ट पैकेज 45 लाख पर एनम, एंड अप्लाई आप लोग कर सकते हैं होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों के ही बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, हमारी कॉलेज प्रिडिक्टर WBJEE की कॉलेज प्रिडिक्टर JEE 360 को डाउनलोड करके वहाँ पे आप लोग अपनी रैंक के हिसाब से कॉलेज देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज आपकी ओबीसी एससी एसटी सबको, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है ना। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है बीपी पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये कॉलेज की यार इंप्रूवमेंट उतनी प्लेसमेंट पे देखने को नहीं मिली है, लेकिन हाँ ये हमारा मेन कोलकाता में है, तो जो बच्चे आगे चल के और भी किसी चीज की प्रिपरेशन वगैरह करना चाहते हैं, एमबीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और क्योंकि यार ये हमारा मेन कोलकाता में है तो कंपनीज विजिट कर लेती है, 3-4 लाख 5 लाख की पैकेज आप लोगों को जनरली मिल जाती है ना। एवरेज पैकेज 3.5 लाख पर एनम, हाईएस्ट पैकेज अप्रॉक्सीमेटली 9 से लेकर 10 लाख, फीस स्ट्रक्चर 4 लाख है 4 साल का, और अप्लाई इसमें होम और अदर दोनों के ही बच्चे कर सकते हैं। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है RCC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, तो इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है बच्चों के बीच में। अब ईएसटीडी है 1999, तो तकरीबन 20-22 साल हो गए कॉलेज को। एवरेज पैकेज 3 से लेकर 3.5 लाख पर एनम, हाईएस्ट 13 LPA,
और इसके बाद फीस स्ट्रक्चर इज 3.5 लाख अप्रॉक्सीमेटली, और अप्लाई इस पे होम और अदर दोनों के ही बच्चे कर सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर इसलिए रख दिया क्योंकि यार जस्ट बिकॉज क्योंकि इसमें अच्छे क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट पहुंच पाते हैं क्योंकि एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। प्लेसमेंट के हिसाब से इसको मैंने ऊपर नहीं रखा है। प्लेसमेंट जो मैं अगला कॉलेज के बारे में बात करूंगा जो कि नरोला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी प्लेसमेंट रिसेंटली क्या हमेशा ही इससे अच्छा रही है। और नरोला का मैंने एक बार देखा यार कि नरोला में भी अगर आपको एडमिशन चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां से डिस्कस कर लीजिएगा। लेकिन नरोला का एक बात मैंने देखा है कि हमेशा यार ही NIRF में डेटा इसकी सबमिट होती है और ये 200 से 250 के बीच में हमेशा रहता है। और ये NAC accredited A कॉलेज है और ESTD इसकी है 2001। एवरेज पैकेज 4 लाख पर एनम, हाईएस्ट पैकेज 27 लाख पर एनम, फीस इज 4.7 लाख, थोड़ी सी ज्यादा फीस है इसकी यार, रिसेंटली थोड़ी सी फीस बढ़ चुकी है। अप्लाई इसमें होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों के ही बच्चे इसमें कर सकते हैं। अब कुछ कॉलेजेस हैं जैसे कि टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी है, टेक्नो इंडिया न्यू टाउन है, UEM कोलकाता है, और इसके साथ डॉक्टर BC रॉय है और मेघनाथ शाह है, तो कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि यार मिस हुए हैं, है ना। लेकिन अगर मैं लिस्ट अगर 25 कॉलेज की बनाता तो शायद उसमें वो सारे ही कॉलेजेस यहाँ पे इंक्लूड हो जाते।